भारतीय उपमहाद्वीप में कई युद्ध लड़े गए जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बना ली, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। वो है 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, जो इस उपमहाद्वीप के इतिहास का निर्णायक क्षण था। नक्शा बदलने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो युद्ध था जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। 16 दिसंबर वह दिन है जब भारत ने अपनी वीर सेना के बल पर न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को घुटने के बल ला दिया था, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उस देश को आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। युद्ध के अंत में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं विजय दिवस को मनाने की खास वजह। दरअसल पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अलगाव के लिए 26 मार्च 1971 को अपने कदम आगे बढ़ाए और खुद को अलग करने के लिए एक संघर्ष छेड़ दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के संग्राम के लिए पूर्ण समर्थन दे दिया था। उस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों बंगालियों, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू शामिल थे, उनका व्यापक नरसंहार किया गया था। लाखों लोग भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। तब भारत ने शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी। लेकिन भारत पाकिस्तान का युद्ध जो शुरू हुआ वो पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले के बाद हुआ। कहते हैं कि ताजमहल को दुश्मनों से छुपाने के लिए, या यूं कहें कि बचाने के लिए, टहनियों और पत्तियों से ढका गया था। बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक और मुक्ति वाहिनी के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। भारत सरकार वाहिनी के पक्ष में थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर इस युद्ध का हिस्सा नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला किया गया, तो फिर भारत को इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और युद्ध पर विजय पाई। साल 1970 के अंतिम महीनों में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग के नेता शेख मुजीब और रहमान ने जीत हासिल कर ली और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो उनके दावों से खुश नहीं थी और उस समय हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना का प्रयोग करना पड़ गया। आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के थे, को गिरफ्तार किया गया। यहीं से पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के बीच दिक्कतें शुरू हो गई। भारत में उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ गए थे, उन्हें भारत में सुविधाएं दी जा रही थी क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देश से आए थे। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला कर दिया। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की जानकारी दी और साथ ही युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस तरह 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर भारत की पाकिस्तान पर उस ऐतिहासिक जीत का गवाह है, जिसे भारत विजय दिवस के रूप में मनाकर देश के शहीदों को नमन करता है। हिंदी खबर भी देश के उस वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर।